तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ओंकार। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी बुराई को ना खत्म होने दे रहा है, ना किसी के अंदर की अच्छाई देखने दे रहा है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं मेरा सच जानती हूँ ओंकार। तुम्हारे अहम और तुम्हारे गुस्से की दीमक ने तुम्हारी अच्छाई को खा लिया है ओंकार। अरे मैं अपनी जान भी दे दूं ना तुम्हें समझाने के लिए अपनी बात, तो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं ओंकार। बंद करो अपनी ये बकवास, नहीं आने वाला मैं तुम्हारे बहकावे में। मुझे परेशान कर करके मेरी जिंदगी खराब कर दी है तुमने। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना, यही मकसद है ना तुम्हारा? क्या बोल रहे हो ओंकार, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है ओंकार। तुम सब गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो एक बार प्लीज। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। मुझे सिर्फ तुम्हारे पिंजरे से आजादी चाहिए मयूरा। तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी नफरत से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे बदले से आजाद होना चाहता हूं मैं। तुम्हें बदला चाहिए ना मयूरा? तुम्हारा बदला मैं पूरा करूंगा, ईंट के बदले ईंट, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, और दाग के बदले दाग। आज से हमेशा के लिए मैं तुम्हारे पिंजरे से आजाद हो जाऊंगा। मैंने तुम्हारे चेहरे पर दाग दिया था ना, आज मैं तुम्हारा बदला पूरा करूंगा। अब तुम्हारा हिसाब बराबर। क्या बोल रहे हो ओंकार? नफरत के बदले नफरत, दर्द के बदले दर्द, और निशान के बदले निशान। क्यों रोका मुझे? एक बार नहीं खत्म कर दो ना ये रोज रोज का तमाशा। तुम नहीं समझ पाए ओंकार, नहीं समझ पाए ना मैं क्यों हूं यहाँ। जिस इंसान ने मुझे ये दाग दिया, मुझे इतना दर्द दिया, उससे दूर जाने के बजाय मैं फिर भी उसके पास हूँ। क्यों इतने इल्जाम, इतना दर्द, इतनी नफरत, इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी मैं यही रुकी हूं। इसकी वजह तुम नहीं जान पाए ओंकार, तुमने हकीकत में मुझे दाग दिया। पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने की सपने में भी कभी सोच नहीं सकती ओंकार। आग के बदले आग, ये कहा था ना तुमने, आग के बदले आग, ये नियम रख के चलोगे ओंकार तो दुनिया अंधी हो जाएगी। दाग के बदले दाग दोगे तो दुनिया में सिर्फ दर्द होगा ओंकार। तुम्हें सच में लगता है इससे मुझे सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी? एक पल में तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए दर्द दिया ओंकार। मेरा चेहरा खराब करके तुम मेरी जिंदगी खराब करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो मेरा चेहरा ही मेरे लिए मेरी जिंदगी थी। पर एक बात बोलूं ओंकार, तुम्हारी जिंदगी खराब करना ये मकसद मेरा कभी था ही नहीं। तुमने एक पल में जो गलती की, मैं तो बस तुम्हें उसका एहसास कराना चाहती थी। तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हारी ऐसी हरकत की वजह से किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है। तुम्हें बताना चाहती थी
कि जब किसी के चेहरे पर आप दाग देते हो, निशान देते हो, तो सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसके दिल पर भी उससे भी ज्यादा गहरा दाग पड़ता है उनका, उसकी पहचान पर भी निशान पड़ता है। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा, पर मैं गलत थी ओमकार। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे अंदर इस बात को समझने की गंभीरता है ही नहीं, ना तुम्हें उतना दिमाग है ना दिल। मेरे पापा सही कहते थे, समझाओ उसे ही जो समझने लायक हो, पर तुम तो समझाने के लायक ही नहीं हो ओमकार। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहती थी। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रही थी। पर अब बस, अब मैं और कोशिश नहीं करूंगी ओमकार। मेरा दर्द, मेरा बदला, मेरा गुस्सा इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। इतना गिरा हुआ नहीं है कि दाग के बदले मैं तुम्हें दाग दूं ओमकार। इतनी गिरी हुई नहीं हूं मैं। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हारे जैसी ना हूं, ना ही तुम्हारे जैसी खराब इंसान बनना चाहती हूँ जो दूसरों की तकलीफ, दूसरों के दर्द में अपनी खुशी ढूंढता है। मैं नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती ओमकार। कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी रहता न देखा है तुझ सा हसी। बस हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी इसे। मैं नेस्तो नाबूद करके छोड़ूंगी इसे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ओमी, क्या हुआ बेटा? ए ओमी, हुआ क्या इन दोनों के बीच? अरे मयूरा कहाँ है? इन दोनों का रिश्ता ना हमारी समझ के परे है। प्यार है कि नफरत है, समझ ही नहीं आता। ये सात नारियल हमारे बीच की सात कड़ियां थी, तोड़ दी मैंने सारी। अब तुम्हें नए साल तक या सात दिनों तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है उनका। क्योंकि मैं तुम्हें और इस घर को
हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मेरा बिटिया कहाँ है जी साहब? कहाँ जा रहे हैं मोड़ी? जाना तो है ही, कल जाए उससे अच्छा है कि आज ही चली जाए। अभी इसी वक्त। उम्मीद बहुत गलत कर रहा हो तू। नहीं पापा जी, आज मत रोकिए पापा जी, जाने दीजिए मुझे। पर इस बात की तसल्ली मुझे जरूर रहेगी, इस घर में मेरे लिए जगह होना आपके दिल में मेरे लिए जगह हमेशा बनी रहेगी। बेटिया आप खुश रहे, खुश रहे। सब आपके भरोसे। अच्छा है बला टली। पूरे घर का शुद्धिकरण करेंगे हम। अब तो मेरे ओमी की जिंदगी में बस सब कुछ भला ही भला होगा। हे माँ, माय डियर सासू माँ, आपको अंदाजा भी नहीं है आपके बेटे की जान को असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। अब तो वो नजर पर टू भी गई। अब देखिए हम क्या करते हैं। मैं समझ ही नहीं पाया हूँ कि मैं यहाँ क्यों, जिसने मुझे मुझे इतना दर्द दिया, उससे दूर जाने के बजाय मैं फिर भी उसके पास तुम्हारी जिंदगी खराब करना, ये मकसद मेरा कभी था ही नहीं। गुस्सा, इतनी नफरत है मुझे मयूरा से, पर क्यों उसकी आवाज गूंजती रहती है मेरे कानों में? क्यों नहीं भूल पाता मैं मयूरा को? ओमकार जी, क्रिसमस पार्टी तो सारी खराब हो गई, पर न्यू ईयर तो आ रहा है ना, हम पार्टी करें। नए साल में हमारी नई शुरुआत, जिसमें केवल आप और मैं और हमारे बीच कोई नहीं। बंद करो अपनी बकवास। पर वो ओमकार जी, एकदम चुप जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जब देखो मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, क्योंकि कुछ समय बाद तुम चिल्लाने क्या कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम ही नहीं रहोगे। अब जो हम करने वाले हैं ना, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओमे, ओमे,
एक बात सुन मोड़े, तेरे चेहरे पे लिखी हुई मैं पढ़ के सुना देता हूं। तू अंदर ही अंदर तड़प रहा है मयूरा के चले जाने से। ये बात मैं जानता हूं और तेरा दिल जानता है। तू मान या मत मान, जैसे मछली बिन पानी छटपटाए है ना, ठीक वैसे ही तू भी छटपटा रहा है बिन मयूरा के। क्योंकि भीतर भीतर तो तेरा दिल भी जानता है तू गलत है और मयूरा सही। ऐश्वर्या, ओमकार जी आपने बुलाया? क्या हुआ बेटा? तुम्हें न्यू ईयर की पार्टी करनी थी ना, अब इस घर में हर रोज जश्न होगा। इस घर से काला साया जा चुका है तो जश्न तो बनता है ना। 100% की बात कही है तूने ओमी। घर में जश्न रखना और मन में जश्न मनाना, ये दोनों अलग बात है ओमी। तू जश्न रख तो लेगो पर जश्न मना ना पाएगा। मैं ओमकार संगमरमर सरताज हूं, मैं जो चाहे वो करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। मैंने जो कसम ली थी वो मैं नहीं निभा पाई माता रानी। मैंने पूरी कोशिश की पर नहीं मन बदल पाई मां ओमकार का। सब आपके हवाले, आगे का रास्ता भी आप ही दिखाइए प्लीज। भूत वर्तमान भविष्य इंसान के चेहरे पर लिखा होता है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं, पर इंसान का चेहरा पढ़ लेती हूं। माता रानी का आशीर्वाद है मुझ पे। जिंदगी ने बड़े धोखे दिए हैं तुम्हें, तुम्हारी आंखों से सब झलकता है। कौन है आप? आप ये सब कैसे जानती हैं? कई बार जो इंसान आपको चोट देता है ना, आपको उसी की ढाल और कवच बनना होता है। ढाल का काम होता है चोट खाना, और चोट खा के भी उसकी सुरक्षा करना। ढाल हटी दुर्घटना घटी। पर अगर ढाल को कोई अपने पास रखना ही ना चाहे तो वो कवच बनकर सुरक्षा कैसे करेगी? जिसकी करनी उसके सर। तू वहां ध्यान ना दे छोरी, थारा धर्म थारा कर्म। ढाल पर चोट के निशान तो लगते ही है ना, अगर कोई उन्हीं निशानों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन मान ले तो फिर? चांद के चेहरे पे भी तो निशान होता है, पर अंधेरी रात में ही रोशनी की एक उम्मीद, वो चांद ही होता है ना। काला साया जब अपनी आगोश में समेटने की कोशिश करेगा ना, तो रोशनी को वहां जाके सच को सामने लाना पड़ता है। अपने आंख और कान खुले रख, क्या पता कब कौन सा सच सामने आ जाए। लो प्रसाद लो।
वांटेड चोर ठग। क्या लिखा है माँ आपने मेरे और ओमकार के भाग में? जब मेरा दिल उससे इतना दूर जा चुका है तो क्यों मेरा रास्ता उसी की ओर मोड़ रहे हो आप?